वेलकम टू द क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसपोजेबल जेनेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या है, यानी कि ऐसे एलिमेंट है जो डीएनए सीक्वेंस के जो थ्रू, ये जो डीएनए सीक्वेंस होती है, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करेंगे, जंपिंग जीन, इसे हम जंपिंग जीन भी कह सकते हैं, यानी कि एक जगह से वो दूसरी जगह, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, इसे हम ट्रांसपोजेबल ये जो एलिमेंट है उसे कहते हैं, ठीक है। तो उसका जो हम जो सारे कैरेक्टर्स है वो हम अब देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ठीक है, वो यूकैरियोटिक में भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं, और दे आर मॉडरेटेड जो रिपीट एंड फ्रीक्वेंसीज, यानी कि ये जो जीन है, ठीक है, वो मॉडरेटली, यानी कि कुछ कुछ बार ये रिपीट होते हैं। कई ऐसे जीन्स होते हैं जो हाईली, यानी कि जो हाईली रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, ये जो बार बार रिपीटिंग होते हैं, और ये जो मॉडरेटली, यानी कि कुछ कुछ बार ये रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, उसकी जो सीक्वेंस है वो कुछ बार ये रिपीटिंग होती है, तो उसे हम मॉडरेटली रिपीट कहते हैं। नेक्स्ट है, दे आर डिस्पर्सेस इन द जीनोम, ये जो जीनोम हमारे जो बॉडी में जो जीनोम होता है, ठीक है, वो जीनोम में पूरी जगह ये फैले होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, दे प्रोपोर्शन इज अप टू 50% इन जीनोम बट इन ह्यूमन इज 45%। ये जीनोम में 50% फैले होते हैं, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं 50%, लेकिन हमारे बॉडी में ये जो ट्रांसपोजेबल जीन है वो 45% प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, देयर नेचर कैन बी ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस, यानी कि ऑटोनोमस क्या है, जो खुद ही मूव करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ पर, यहाँ से उठ के यहाँ पर ये प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो ऑटोनोमस कहते हैं। और नॉन ऑटोनोमस यानी कि एक जगह से वो दूसरी जगह मूव होते हैं, तो अकेले मूव नहीं हो पाते, उसको ये मूव होने पे किसी की हेल्प की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो हेल्प की जरूरत होती है, तो क्या होता है, उसके जो प्रोटीन्स के थ्रू भी ये मूव कर पाते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसे नॉन ऑटोनोमस कहते हैं। जो नेक्स्ट है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ मोलिकुलर पैरासाइट और सेल्फिश डीएनए और जंपिंग जीन्स, ठीक है, उसे हम मोलिकुलर पैरासाइट भी कह सकते हैं, सेल्फिश डीएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो मन चाहा तो उस जगह भी प्रेजेंट हो जाते हैं और यहाँ से भी उठ के कई और जगह चल जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम सेल्फिश डीएनए भी कह सकते हैं। और जो पॉपुलर नेम है वो है जंपिंग जीन्स, यानी कि एक जगह से जंप करके दूसरी जगह प्रेजेंट हो जाते हैं, इसलिए हम उसे जंपिंग, ये जंपिंग जीन पॉपुलर होते हैं, इसलिए हम मोस्ट ऑफ उसे जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है, दे आर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज अ ट्रांसपोजिशन और रिट्रो ट्रांसपोजिशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं, या तो उसे हम रिट्रो ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो चलो इस प्रोसेस के बारे में हम अब देखते हैं, अब देखते हैं ट्रांसपोजिशन एंड ये जो रिट्रो ट्रांसपोजिशन, ठीक है, तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, तो ये जो इट परफॉर्म्ड होमोलॉजी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, ये होमोलॉजी इंडिपेंडेंट, यानी कि उसमें दो टाइप की प्रोसेस होती है, होमोलॉजी डिपेंडेंट यानी कि उसकी जो सीक्वेंस होती है वो सेम होती है, ठीक है, जो एक डीएनए है, ठीक है, उसमें से जो कॉपी बनाता है, रिकॉम्बिनेशन यानी कि जो दूसरे डीएनए के साथ सेम ही सीक्वेंस होती है, तो उसको यहाँ रिकॉम्बिनेशन बनता है। और ये जो होमोलॉजी इंडिपेंडेंट, उसकी जो सीक्वेंस होती है वो सेम नहीं होती, तो उसमें जो रिकॉम्बिनेशन बनता है, तो जो सीक्वेंस सेम ना होने पर भी ये एक दूसरे के साथ जुड़ता है, तो उसे हम होमोलॉजी इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है, थीके? ये जो होमोलॉजी इंडिपेंडेंट है वो उस टाइप का वो रिकॉम्बिनेशन बनाता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन कॉज अ पोलर म्यूटेशन, इसे पोलर म्यूटेशन भी कहते हैं। तो ये जो मान लीजिए ये लेक ओपेरॉन है, ठीक है, अब ये लेक ओपेरॉन में क्या होता है, यहाँ से ये जो
ट्रांसपोसेबल जीन है, ठीक है, ये ट्रांसपोसेबल जीन है। अब ये ट्रांसपोसेबल जीन को क्या कहते हैं हम, जंपिंग जीन कहते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जंप करेंगे। और ये जो है वो स्ट्रक्चर जीन है, लेग ओपेरन में क्या था, जेड वाई ए जेड है, वो क्या है जीन है, वो बीटा गैलेक्टोज है, ठीक है, वाई जीन है वो परमियाज है, ए है वो क्या है ट्रांस एसिटाइल है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जीन है, तो ये जो ट्रांसपोसेबल जीन है वो क्या करेगा, एक जगह से ये जो दूसरी जगह जंप करेगा, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर जीन है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर जीन में जेड जीन है यहाँ पर ये जंपिंग कर रहा है और यहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो क्या करेगा ये जो जेड जीन है उसमें क्या होता है, वो इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर ये इनएक्टिव हो गए तो बाकी के दो जो जीन है उसे भी इनएक्टिव हो जाएगा, तो ये सारा लेग ओपेरन है वो इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस रेयर केस में होती है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, तो जो मैं खुद की बात करूं तो मेरा जो डीएनए होते हैं, ठीक है, जो रेगुलर प्रोसेस होती है, कई बार मेरे जो आंख नहीं खुल रही, यानी कि जो मेरे पैर काम नहीं कर रहे, ठीक है, तो ऐसी कुछ प्रोसेस होती है, वो किसकी वजह से होती है, इस प्रोसेस होती है रेयर केस में, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसेस होती है, तो ये क्या होता है, अगर ये जेड जीन पर प्रेजेंट है तो जेड जीन म्यूटेट हो जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, एंड ये जो डाउन स्ट्रीम में ये जो वाई और ए जीन है उसे भी ये इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोजिशन और ये रिट्रो ट्रांसपोजिशन होते हैं, तो उसमें प्रोसेस किस तरह होती है उसके बारे में हम अब देखते हैं। अगर हम ट्रांसपोजिशन की बात करें तो क्या होता है, उसमें ये रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेशन है, ये जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें ये जो बीच वाला पार्ट है वो ट्रांसपोसेबल जीन है, ठीक है। ये जो ट्रांसपोसेबल जीन है वो क्या करेगा, उसमें ऐसे मेकेनिज्म होगी कट और पेस्ट की तरह, ठीक है। तो ये जो कट होगा ये ट्रांसपोसेबल जीन है, ठीक है, वो कट हुआ और हमारा जो नया टारगेट है, ठीक है, जो टारगेट डीएनए, ये टारगेट डीएनए यानी कि कोई न्यू डीएनए आया है, ठीक है, तो ये ट्रांसपोसेबल जीन क्या करेगा, ये जो उसमें से कट हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, ये जो न्यू डीएनए से आया है उसके साथ ये जुड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो ट्रांसपोजिशन की होती है। अब देखते हैं रिट्रो ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो डीएनए सीक्वेंस होती है, ठीक है, इस सीक्वेंस में यहाँ पर ये पार्ट है वो ट्रांसपोसेबल जीन है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसमें ये जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ट्रांसक्रिप्शन में से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, ठीक है, और यहाँ पर एमआरएनए बना तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, यानी कि यहाँ पर ये जो स्ट्रैंड बनेगा वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा, ठीक है। अब ये कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनेगा तो उसे भी कोई नया डीएनए चाहिए ना, तो ये जो टारगेट न्यू डीएनए आया उसके साथ ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोजिशन और ये रिट्रो ट्रांसपोजिशन है वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट होती है। ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, ये जो ट्रांसपोसेबल जीन है वो उसमें से कट होके दूसरे डीएनए यानी कि कोई नया डीएनए आया उसके साथ ये पेस्ट करेगा, यानी कि कॉपी पेस्ट की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब ये जो रिट्रो ट्रांसपोजिशन है उसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि ये एमआरएनए यानी कि आरएनए बनता है और फिर से ये जो कम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बनती है। तो ये जो प्रोसेस बनी यानी कि ये ट्रांसपोसेबल जीन है उसे भी कुछ नया डीएनए चाहिए, ठीक है, कोई न्यू डीएनए आया उसके साथ ये
कॉम्बिनेशन यानी कि रिकॉम्बिनेशन बनाएगा। तो ये जो कट और पेस्ट और यानी कि यहाँ जो ये ट्रांसपोजिबल ये जो ट्रांसपोजिशन की जो मैकेनिज्म होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें ये कॉपी ठीक है, ये जो रिट्रो ट्रांसपोजिशन है उसमें ये जो कॉपी एंड पेस्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कट और पेस्ट की तरह काम करता है। तो उसकी मैकेनिज्म के बारे में भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो ये कट और पेस्ट और कॉपी पेस्ट किस तरह होती है, तो यहाँ ऐसे डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है। तो ठीक है, यहाँ पर ये जो ट्रांसपोजिबल जीन है ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से कट होके पेस्ट हो रहा है ठीक है। तो यहाँ से कट हुआ और दूसरी जगह यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो यानी कि कुछ नए बनेंगे सीक्वेंस, वो इस तरह बनेंगे कि यहाँ से लेकर आया था और यहाँ पर बना, तो ये ट्रांसपोजिबल जीन यहाँ पर मूव हो जाएंगे ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है। अब ये जो रिट्रो ट्रांसपोजिशन है उसमें क्या होता है, तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है ठीक है, यहाँ पर ये जो ट्रांसपोजिबल जीन होते हैं ठीक है, उसकी यहाँ पर ये कॉपी बनाएगा, पहले तो ये कॉपी बनाया ठीक है, और बाद में क्या होता है, ये कॉपी बना के उसी जगह उस जो सीक्वेंस है उसमें ही पेस्ट हो जाएगा ठीक है। तो ऐसे दो कॉपी बनाएगा, यानी कि जो फर्स्ट थी ठीक है वो कॉपी बनाया, ये जो फर्स्ट कॉपी थी ट्रांसपोजिबल जीन था ठीक है, उसकी जो कॉपी बना के उसने दो कॉपी ऐसे बनाई, तो दूसरा जो न्यू स्ट्रेन आया वही उसमें ही जो ये फर्स्ट कॉपी थी ठीक है, वो कॉपी करके उसी स्ट्रेन में जुड़ जाएगा, यानी कि दो ऐसे ट्रांसपोजिबल जीन की कॉपी बनेगी। तो ये दोनों बात थी, ये ट्रांसपोजिशन और ये रिट्रो ट्रांसपोजिशन की ठीक है। अब हम बात करें ट्रांसपोजिबल एलिमेंट्स की ठीक है, तो उसमें दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, उसे हम क्लास वन एंड क्लास टू में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट क्लास वन है उसे हम रिट्रो ट्रांसपोजिशन कहते हैं, जो दूसरा है उसे हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं ठीक है। ये जो रिट्रो ट्रांसपोजिशन होते हैं वो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये जो ट्रांसपोजिशन होते हैं क्लास टू वो भी बोथ में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। लेकिन ये जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, तो रिट्रो ट्रांसपोजिशन में दो टाइप के क्लास डिवाइड होते हैं, तो दो टाइप में डिवाइड होते हैं। जो फर्स्ट है वायरल रिट्रो ट्रांसपोजिशन और दूसरा है नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोजिशन ठीक है। तो ये जो वायरल रिट्रो ट्रांसपोजिशन है, फॉर एग्जाम्पल LTR यानी कि लॉन्ग टर्मिनल रिपीट ठीक है, ये जो उसकी जो सीक्वेंस होती है ठीक है, रिट्रो ट्रांसपोजिशन की ये ट्रांसपोजिशन जो जीन की सीक्वेंस होती है वो लॉन्ग होती है ठीक है, वो कई बार उसकी सीक्वेंस बहुत लॉन्ग होती है, तो कई बार वो रिपीट होते हैं। और ये जो नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोजिशन होते हैं ठीक है, वो क्या होते हैं, वो LTR होते हैं, यानी कि जो वो भी LTR RT है ठीक है, ये जो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट रिट्रो ट्रांसपोजिशन ठीक है। तो दो टाइप में होते हैं, जो फर्स्ट है वायरल, वो क्या उसमें जो वायरल जो आप हम कहते हैं ना कि जो रिट्रो वायरस होते हैं वैसे ही ठीक है, वो सिमिलरिटी उसमें होती है। तो ये जो नॉन वायरल रिट्रो ट्रांसपोजिशन है ठीक है, वो फिर दो टाइप में डिवाइड होते हैं, उसे हम लाइन्स कहते हैं और साइंस भी कहते हैं ठीक है। ये जो लाइन्स यानी कि उसका फुल फॉर्म है लॉन्ग इंटरपेरेंस न्यूक्लियर एलिमेंट्स, और ये जो साइंस होते हैं वो क्या है, शॉर्ट इंटरपेरेंस न्यूक्लियर एलिमेंट्स ठीक है। तो ये दो टाइप में इसे डिवाइड होते हैं। तो ये ट्रांसपोजिबल के जो एलिमेंट्स है उसका जो कुछ क्लासिफिकेशन है। अब बात करें, ये जो बात थी क्लास वन की ठीक है, अब बात करें क्लास टू की यानी कि ट्रांसपोजिशन एलिमेंट्स की, तो उसमें कैसे टाइप के डिवाइड होते हैं। अब देखते हैं क्लास टू यानी कि ट्रांसपोजिशन की बात करें तो उसमें दो टाइप के डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है कंजर्वेटिव ठीक है, कंजर्वेटिव के बारे में हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके हैं। और जो दूसरा है रेप्लिकेशन ठीक है, ये दो टाइप में उसमें प्रोसेस होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ट्रांसपोजिशन है ठीक है, इन कॉज इन केस ऑफ बैक्टीरिया ठीक है, उसमें जो बैक्टीरिया में भी होते हैं ड्रोसोफिला और मेज ठीक है, जो मकई के भुट्टे हैं उसमें भी पाए जाते हैं, उसमें ये प्रोसेस उसमें मैकेनिज्म होती है। तो ये क्या है, ये IS एलिमेंट है यानी कि इन्वर्शन एलिमेंट्स है ठीक है,
इट इज अबाउट 1 to 2 केबी, यानी कि ये 1 से 2 किलो बेस पर उसकी साइज होती है। ठीक है, दे आर ऑटोनोमस इन नेचर, ये ऑटोनोमस होते हैं, यानी कि वो खुद के उसकी खुद की मर्जी से वो मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। और जो देयर कंटेंट इन एसी एंड डीसी, यानी कि उसके कंटेंट में एसी और डीसी होता है। एसी मीन एक्टिवेटर एंड डीसी मीन डिसोसिएशन। ठीक है, दे आर द मोस्ट कॉमन ट्रांसपोसर। ठीक है, ये कॉमनली ट्रांसपोसर है। अब उसके जो कुछ ऐसे सीक्वेंस के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने दिखाया। यहाँ जो दो टैग के यहाँ फर्स्ट जो सीक्वेंस होती है उसमें जो हम उसे अपस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, अपस्ट्रीम में डीआर और आईआर, डीआर मतलब के डायरेक्ट रिपीट और आईआर मतलब इन्वर्टेड रिपीट, ये दोनों ऐसे रिपीटर्स है जो प्रोटीन कोडिंग रीजन, यहाँ जो प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर जीन होता है उसमें जो ये प्रोटीन कोडिंग करेगा, प्रोटीन उसे सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, और ये जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है उसमें भी आईआर और डीआर होते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ही ये जो प्रोसेस होती है प्रोटीन कोडिंग की, ठीक है, उसमें ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी क्लास 2 यानी कि ट्रांसपोजन की। ओके, अब बात करें कंपोजाइट ट्रांसपोजन की। ठीक है, तो ये कंपोजाइट ट्रांसपोजन क्या है, ये देयर आर लार्जर देन आईएस एलिमेंट्स। ठीक है, हमने आगे जो आईएस एलिमेंट्स के बारे में देखा था उससे बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब ये 2 आईएस एलिमेंट्स सराउंड कंट्रोल ब्लॉक ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन। अब क्या होता है, ये 2 ऐसे आईएस एलिमेंट्स बनके ये पूरा कंपोजाइट ट्रांसपोजन बनता है। ठीक है, तो उसके जो एग्जांपल है TNQ9, TN10, TN5। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर जीन है उसके ये जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, उसी जो स्ट्रक्चर जीन के कंटेंट में TN9, TN10 और TN5 होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन कोडिंग जीन है, ये जो प्रोटीन कोडिंग जीन यहाँ पर ये जो प्रोटीन का कोड करते हैं, ठीक है, उसे हम प्रोटीन कोडिंग जीन कहते हैं। तो ये प्रोटीन कोडिंग जीन है TN9, TN10 और TN5, और ये प्रोटीन कोडिंग जीन को ये जो दो ऐसे आईएस जो एक्टिवेटर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, ये प्रोटीन कोडिंग जीन को इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी मेकेनिज्म थी, कंपोजाइट थी, आईएस एलिमेंट्स की थी। ठीक है, तो उसके जो ये स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम देखते हैं। अब इस मेकेनिज्म है उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज ये जो मेकेनिज्म होती है तो उसके बारे में हम अब देखते हैं। ये जो सारे डीएनए के जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, 5' से 3' और 3' से 5'। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होती है ACGTTCAGS, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगी। अब ये जो सारी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, ये पूरा जो सीक्वेंस है आईएस है, यानी कि इंसर्शन सीक्वेंस है। ठीक है, अब ये इंसर्शन सीक्वेंस है, ये जो सारे आईएस एलिमेंट है उसमें हमने देखा था कि जो आईआर, दो टाइप में ये आईआर होते हैं, यानी कि यहाँ दो टाइप में आईआर होते हैं, मतलब कि इन्वर्टेड रिपीटर। ठीक है, तो यहाँ इंसर्शन ऑफ आईएस एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इन क्रोमोसोमल डीएनए, ये क्रोमोसोमल डीएनए पर आईएस प्रेजेंट है पूरी स्ट्रैंड पर। ठीक है, अब क्या होता है, हमें कुछ टारगेट साइट पर यहाँ कट करना होता है। ये जो 5' से 3' की सीक्वेंस होती है यहाँ पर ये कट आता है, मतलब कि यहाँ जो सीक्वेंस है उसके बीच में यहाँ से कट आएगा तो जो दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोनों में कट हुआ तो इंसर्टेड आईएस एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से कट हुआ तो क्या हुआ, दोनों तरफ आईआर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो उसकी सीक्वेंस प्रेजेंट है, अब ये जो दोनों की तरह ये कट हुआ है तो क्या करेगा, ये जो पार्ट है ये सीक्वेंस के इस साइड पर प्रेजेंट हो जाएगा अपस्ट्रीम पर। ठीक है, और ये जो निचला पार्ट है, ठीक है, ये जो नीचे हुआ पार्ट है क्या है, ये पार्ट डाउनस्ट्रीम की तरफ प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसमें कटिंग आएगा तो इस जगह तो एम्प्टी है, ठीक है, इस जगह खाली है तो उसे भरने के लिए कुछ तो चाहिए ना। ठीक है, इस दो जगह पर क्या आएगा, क्यों कोई न्यू डीएनए आएगा। ठीक है, जो न्यू डीएनए आएगा इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा, यानी कि यहाँ पर टी है तो न्यू डीएनए कोई आएगा तो वो ए, सी है तो जी, जी है तो सी, ए है तो टी,
और टी है तो ए, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा और पूरी तरह से ये डीएनए पूरा बन जाएगा। ठीक है, वैसे इसी तरह क्या आ गया, टी है तो ए है तो यहाँ टी आएगा, जी है तो सी, सी है तो जी, टी है तो ए, ए है तो टी है तो ए और टी ए है तो टी। ठीक है, ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगी तो ये पूरी तरह से ये जगह है वो भर देगा। अब ये जो नीचे की पोर्शन है, ठीक है, वो साइड में क्या होता है, यहाँ पर होस्ट डीएनए था, ठीक है, ये जो डीएनए था वो खुद का इस यहाँ से कट हुआ, ये डीएनए था, ये तो न्यू डीएनए आया। ठीक है, तो ये होस्ट डीएनए है और ये जो न्यू डीएनए जो हमें अभी स्ट्रैंड बनाई, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड उसके साथ बनती है तो ये न्यू डीएनए है। ठीक है, अब ये न्यू डीएनए इसके साथ जुड़ा और यहाँ पर ये जो स्पेस इतनी एम्प्टी थी, ठीक है, वो खाली थी, तो उसकी जगह ये भी नया न्यू डीएनए यहाँ आएगा और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। तो ऐसे पूरी प्रोसेस होती है, वो खत्म होती है, तो हम उसे डुप्लीकेट टारगेट साइट सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात थी ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट्स की। ठीक है, ये जो पोर्शन था इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ यूनिट स्टडी करेंगे जो म्यूटेशन एंड डीएनए रिपेयर के बारे में। सो गाइस, थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।